कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक सिक्का तो तभी से उछालो यारो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और दिन की शुरुआत कर दी है इस प्यारे से थॉट के साथ में, क्योंकि जब किसी चीज़ को पाने की चाह होती है तो उसके लिए काम तो करना पड़ता ही है, और लगातार मेहनत के बल पर कभी ना कभी तो अपनी मंजिल को पा ही लेंगे। ये एक सफ़र है जो तय करना है, और इन्हीं सुविचारों के साथ में हो चुकी है दिन की शुरुआत। और मैंने बच्चों को जगा दिया है, उनको पानी पिला दिया है, अब उनको उठा रही हूँ। बच्चों को सुबह में बहुत ज़्यादा नींद आती है, स्कूल भी भेजना है तो इसलिए उनको जल्दी से उठाया है। आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में वर्मीसिली यानी कि जवे। ये नॉर्थ इंडिया में बहुत खाए जाते हैं, ये मुझे मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ज़्यादातर मीठे जवे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन बच्चों को स्कूल में नाश्ते में मैं नमक की ही वर्मीसिली दूंगी, और यहाँ पर मैं इनको रेड होने तक भूनूंगी। उसके बाद मैंने बच्चों का नहाने का पानी रेडी कर दिया था। मैं डिटॉल ज़रूर मिक्स करती हूँ क्योंकि इस टाइम पे वायरल फीवर चल रहा है, तो दोनों के ही पानी में मैंने डिटॉल मिक्स कर दिया था। जब तक दोनों बच्चे नहाकर आएंगे तब तक मैं अपनी जवे तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं उनको सिंपल वे में ही बना रही हूँ। तो छौंक में मैंने अजवाइन डाला था, अजवाइन से टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। और यहाँ पे मैं जितने भी मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, गर्म मसाला, सबको ऐड करके अपनी जवे रेडी कर लूँगी। मैं लोहे की कढ़ाई में बनाना प्रेफर करती हूँ, रीज़न ये कि उसमें आयरन के गुण जो भी खाना होता है उसमें आ जाते हैं। और मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है तो डाल दिया है पानी। अब पानी जब अच्छी तरीके से खोल जाएगा तो मैंने उसमें डाल दिए थे अपने वर्मीसिली, और जो खाने में बहुत टेस्टी बने थे। बच्चे हो चुके थे रेडी, खुद से रेडी होते हैं पर हेयर कॉम अभी नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर मैं उन दोनों को तैयार कर रही हूँ। जो भी उनका बचा हुआ काम है उसको मैं कर दूँगी, और बच्चों ने अपने बैग सब खुद लगा लिए हैं। और यहाँ पर बच्चों की क्रीम खत्म हो चुकी है तो वो पाइप के थ्रू क्रीम को निकाल रहे हैं। मैं मार्केट तो गई थी लेकिन लाना भूल गई, क्योंकि मैंने डायरी में मेंशन नहीं किया था कि क्रीम खत्म हो चुकी है। लेकिन बच्चों की इमेजिनेशन इतनी अच्छी होती है कि वो किसी ना किसी तरह अपना काम चला ही लेते हैं, और ये भी बहुत अच्छी बात है कि किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ कर ही लेते हैं। किसी बात की ज़िद नहीं है कि हाँ अभी ख़त्म हो गए तो अभी ला के दो, नहीं, अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम का जुगाड़ उन्होंने कर लिया था। और रेडी करने के बाद में पैक करना है लंच। वाटर बॉटल मैंने भर के रख दी है, और यहाँ पर मैं रख रही हूँ उनके लिए फ्रूट्स। सीधी फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करती, वो पपाया खाती है या बनाना खाती है, अदरवाइज उसके सिवा कुछ नहीं खाती है। तो यहाँ पर भी ग्रेप्स निकाल रही थी और मैं उनको उनकी वाटर बॉटल्स और लंच पकड़ा रही हूँ। 6 ईयर के होने के बाद भी मेरी काफ़ी वो हेल्प कर देती हैं कि अपनी वाटर बॉटल्स, अपना बैग, अपने पेंसिल, रेजर, शार्पनर सब खुद से चेक करके रखती हैं। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होती है कि मुझे उनका चेक करना है, उनका एक एक सामान उठाकर मुझे देना है। कभी कभी लंच के अदर्स खाने की क्रेविंग भी होती है तो मैंने थोड़े से मखाने भी रखे हैं, इन दोनों को पसंद है, मैं घी में भून के हमेशा रखती हूँ। और अब इनको जा रही हूँ मैं स्कूल छोड़ने, क्योंकि टाइम हो चुका था। बाहर के जितने भी काम थे मैंने सारे निपटा लिए हैं, घर आने में मुझे 9 बज जाते हैं। उसके बाद मैं अपना नहाना वगैरह काम करती हूँ, जो मेरे पर्सनल काम होते हैं, पूजा पाठ, अपना नहाना और नाश्ता वगैरह करना, वो सब उसी के बाद में शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद में मुझे बाकी के काम भी करने हैं, और आज घर पे कारपेंटर भी आए हुए हैं तो काम कराना है काफ़ी सारा। एक जो घर का दरवाज़ा है उसमें दीमक बहुत बुरी तरह लग गई है तो उस गेट को मुझे चेंज कराना है। ये पहला ही गेट है जिसको मैंने टीवी पैनल की तरह यूज़ किया हुआ था, क्योंकि मार्केट जाके दूसरा गेट लाना सच ही टफ टास्क होगा मेरे लिए, तो इसीलिए मैंने जो पुराना गेट था उसी को लगवा दिया है। और अभी फ़िलहाल जो दीमक वाला गेट था उसको टेबल यूनिट की तरह ही मैं वापस यूज़ कर लूँगी, क्योंकि टेबल यूनिट मुझे बनवानी ही है। और घर में बहुत ज़्यादा कूड़ा हो चुका था, और बच्चों को मैं स्कूल से ले आई थी तो यहाँ पर कारपेंटर अपना काम कर रहे हैं और मैं बच्चों के साथ में थोड़ा सा खेलने लगी हूँ। वो क्ले से यहाँ पे खेल रही हैं तो मैं उनको स्नेक बना के दिखा रही थी कि किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से क्ले को खेलते हैं। इस टाइप की एक्टिविटीज़ से बच्चों की इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है,
बच्चे अलग अलग चीज़ें बनाना सीखते हैं, अलग अलग काम करना सीखते हैं, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं। और घर में हो चुका था बहुत ज़्यादा कूड़ा, जिसकी मुझे सफाई करनी थी। सच कहूँ तो इस काम को देख के मुझे फीवर चढ़ रहा था कि सारे में धूल ही धूल हो गई, ये कैसे करूँगी। सुबह से तो थक चुकी थी मैं काम करते करते, अब ये काम भी मेरे ऊपर पड़ गया था। सारे घर में इतना कूड़ा निकला था कि मुझे उसको करने में पूरे 2 से 2.5 घंटे लग गए थे। तो मॉपिंग का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया फिर कि मैं मॉपिंग भी करूं। और ये इतना सारा कूड़ा सिर्फ 2 कमरों का है, तो इसको डस्टबिन में डालने से पहले मैंने जितने भी कीले थी या जितने भी पेच वगैरह थे उनको निकाल लिया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कभी कूड़ा ऐसे ही डल जाता है, वैसे तो नगर पालिका वाले आते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी ऐसे इधर उधर डाल सकते हैं, वो तो जानवर वगैरह घूमते हैं तो उनके पैरों में लग सकती है। तो बी द सेफ्टी मैंने जितने भी कीले थी उनको हटाया और जो लकड़ी कट के बची थी उन सबको भी ऊपर रखा। फिर उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं और काम भी करूं, कि मॉपिंग करूं या कुछ और, नहीं मेरे बस का कुछ नहीं था क्योंकि फीवर भी मुझे 102 हो रखा था। उसके बाद मैं आ गई थी छत पे बच्चों को देखने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो दे रहे थे सभी पौधों को पानी, सभी बच्चों को पौधों में पानी डालना बहुत पसंद है, वो एक के बाद एक कहते रहते कि हम पानी देंगे या हम पानी देंगे। और जब उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया था तो कुछ पौधे उन्होंने पानी देने से छोड़ दिए थे, तो वहाँ पर मैं पौधों में पानी डाल रही हूँ। और छत पर से ही मैंने अपनी स्कूटी को धुल दिया था क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा बैठ जाती है, और नीचे पाइप मैं नहीं लेके गई थी तो मैंने सोचा यहीं से इसको धुलाई कर देती हूँ। और यहीं पे मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।